एक बड़ी खबर बीजेपी खेमे से आ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनाथ सिंह से बातचीत की है, टेलीफोन पर ही बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने पटना साहिब से ही इलेक्शन लड़ने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि कल जो तीसरी सूची आई है बीजेपी की, जिसमें 97 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम पटना साहिब से नहीं है। अभी पटना साहिब की सीट खाली है, जहां से रविशंकर प्रसाद का नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है वो उम्मीदवार बने। और इस पर बातचीत शत्रुघ्न सिन्हा ने की है राजनाथ सिंह से और कहा है कि मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस बार बीजेपी उन्हें दिल्ली से चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन इस संबंध में शत्रुघ्न सिन्हा ने आपत्ति शायद दर्ज कराई है, जो न्यूज 24 के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और ये कहा है कि मैं पटना साहिब से ही लड़ना चाहता हूं। बिहारी बाबू ने आपत्ति दर्ज कराई है, पटना साहिब से चाहते हैं चुनाव लड़ना, दिल्ली से नहीं चाहते हैं। अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये स्वाभाविक है, शत्रुघ्न सिन्हा का गढ़ रहा है पटना साहिब और बिहारी बाबू के नाम से वो जाने भी जाते हैं। ऐसे में ये जो बातचीत है, इस पर अब ये हम कहें कि ये शुरुआती स्वर है, बगावत से जोड़कर देखा जा सकता है या नहीं? देखिए, अभी इसे फिलहाल बगावत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि एक कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली लाया जाए, क्योंकि दिल्ली में कोशिश है कि चुनाव जीता जाए। आप पार्टी का जो जिस तरह फैला हुआ है उसको काटने के लिए कुछ चाह रहे थे कि कोई स्टार यहाँ से कैंडिडेट हो, जैसे कि इनको सिद्धू को कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली में चला जाए। सिद्धू ने पहले मना किया, आप शत्रुघ्न सिन्हा मना कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात की जो एक कोशिश कर रही थी उसमें कहने का असफल दिख रहा है। दिखना है कि पार्टी किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा को बनाती है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोशिश की गई थी शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ लाया जाए। लेकिन अमित, मैं आपको रोकूंगी, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही थी कि बिहार के ज्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं, गिरिराज सिंह की बात करें वो नवादा से नहीं लड़ना चाहते हैं, अश्विनी चौबे का भी हम बयान सुनवाई रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा आपत्ति दर्ज करा रहे हैं पटना साहिब से जाते हैं, तो बिहार बीजेपी में एक कलह की स्थिति तो दिखी रही है। लेकिन नाराजगी होती है, जब भी टिकट बंटवारा होता है नाराजगी होती है, और खासतौर से गिरिराज सिंह और ऐसे नेता है जिन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, वो भी ऐसे वक्त पर जब पार्टी में कोई नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा था, उस वक्त गिरिराज सिंह खड़े हुए थे। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि पार्टी में कहीं कहीं उन्होंने डिस्क किया है, कहीं ना कहीं पार्टी में नरेंद्र मोदी के जो समर्थक है, नरेंद्र मोदी ने उनके बात को अच्छा आगे नहीं बढ़ाया। तो लेकिन इस तरह की नाराजगी कई सीटों पर देखी, तो बिहार में नाराजगी बहुत खुलकर सामने आ रही है, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा की हो या फिर गिरिराज सिंह की हो। वहां पर कई अश्विनी चौबे नाराज हैं, क्योंकि भागलपुर से वो चाह रहे थे सीट शहनवाज वाली कोटे से। तो ऐसे में बिहार बीजेपी में नाराजगी खुलकर आई है, अभी कुछ सीटें बची हुई है, 5 सीटें बची हुई है। लेकिन कल रात को जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जो नाराज नेताओं की बकायदा बिहार निवास में बात भी हुई थी, आज सुबह गिरिराज सिंह ने मुलाकात भी की है राजनाथ सिंह से, तो आप क्या चाहिए आप लगातार हमें इस खबर पर निगाह बनाए रखे, लेकिन ये नाराजगी जरूर दिखाई पड़ रही है बिहार बीजेपी से जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में। और शत्रुघ्न सिन्हा ने तो राजनाथ सिंह से ही बातचीत कर ली है कि मैं पटना साहिब से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन रविशंकर प्रसाद का वहां से नाम आगे चल रहा है और उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट लड़वाने की दिए जाने की चर्चा जोर पर है। शत्रुघ्न सिन्हा ने हालांकि इस बात से इनकार किया है, जैसा न्यूज 24 के सूत्र बता रहे हैं।